18 दिसंबर 2019 को सांसद शंकरलाल वानी ने भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में सम्माननीय पत्रकार बंधु से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर उसकी उपलब्धि ये है कि उन्होंने अपने वचन पत्र में जो कुछ भी कहा उसमें से कुछ भी नहीं किया। सरकार ने यदि कुछ किया है तो तीन ही काम किए, पहला धोखा, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा कानून व्यवस्था का बंटाधार। आपने बताया कि कर्ज माफी के बावजूद मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों को फसलें खराब होने पर मुआवजा नहीं मिलता, किसानों को हर दिन कुर्की की धमकियां मिल रही हैं, बैंकों से कर्ज वसूली के नोटिस मिल रहे हैं। कमलनाथ सरकार की झूठी कर्ज माफी के कारण किसान आत्महत्या को मजबूर हुआ है। 10 दिन में कर्ज माफी करने वाली सरकार के एक वर्ष में 122 से अधिक किसानों ने कर्ज वसूली से परेशान होकर आत्महत्या की। पर्याप्त यूरिया का स्टॉक होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ छल करते हुए कालाबाजारी को बढ़ावा दिया। हजारों किसान यूरिया के लिए बेहाल होकर सरकार को कोस रहे हैं। प्रदेश के 32 जिलों में अतिवर्षा से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, कपास, केला, संतरा व सब्जियों की खेती में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई, लेकिन प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि वितरित करने में कोताही बरती। कई किसानों को आज तक मुआवजा राशि नहीं मिली। कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी का वचन दिया था, लेकिन किसान आज भी कर्ज माफी की प्रतीक्षा में है और इसी कारण किसान बीमा प्रीमियम जमा नहीं कर पाया। सरकार की इस विसंगति के कारण किसान फसल बीमा से वंचित हुआ है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 0% ब्याज योजना का वास्तविक लाभ देने का वचन दिया था। खरीफ ऋण की ड्यू डेट 31 दिसंबर तय करेंगे वादा किया था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया। कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों को फसलों पर बोनस देने का वादा किया था, लेकिन आज तक कांग्रेस इस वचन को नहीं निभा पाई। भाजपा सरकार के समय किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिलती थी। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों को 3 फेस की बिजली प्रदान की, 12 घंटे देने की बात की थी, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं मिल रही। बाढ़ और भारी वर्षा से पीड़ित किसानों को 5 महीने बाद भी मुआवजा मिलना तो दूर, सर्वे तक नहीं कराया गया। दुख की बात तो ये है कि हाल ही में कुछ जिलों में ओलावृष्टि से पुनः फसलों का नुकसान हो गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ गोवंश के संवर्धन और संरक्षण को लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का वचन देते हैं, लेकिन 10 माह में एक भी ग्राम पंचायत में गौशाला नहीं खुली। केंद्र सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये सालाना देने की योजना लागू की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार योजना के पात्र किसानों की सूची केंद्र सरकार को न सौंपकर किसानों का अहित कर रही है। सीएम हेल्पलाइन पर किसानों की 3,000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग हैं। इन शिकायतों में कर्ज माफी का लाभ न मिलना, बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि नहीं मिलना, खाद बीज और जमीन संबंधी कई शिकायतें हैं। सर्वे के नाम पर किसानों के हाथों में कैदियों की तरह स्लेट पकड़ाकर उनकी तस्वीरें खिंचवाई गई। फर्क इतना था कि स्लेट पर अपराध की जगह किसान का नाम, फसल का नाम, खसरा नंबर और जमीन के बारे में लिखा गया था। प्रदेश में भावांतर योजना बंद से लाखों किसान परेशान है। लाख युवाओं को रोजगार देने की बात वचन पत्र में कही थी। रोजगार को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर प्रदेश के युवाओं के साथ मजाक। सरकार साल भर में एक युवा का नाम नहीं बता सकती जिसे भत्ता मिला हो। चुनाव प्रचार में 100 रुपये प्रतिमाह बिजली देने का झूठा प्रचार कर गरीबों को थमा रहे हैं हजारों का बिल। गरीब आदमी अपने हजारों के बिजली के बिल लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए, लेकिन गरीब विरोधी कमलनाथ सरकार ने उसमें 2 लाख आवास लौटा दिए। बेहतर सड़कें बनाने के बजाय प्रदेश की 4,000 किलोमीटर सड़कों को 9 माह में जर्जर अवस्था में पहुंचाया। प्रदेश में अपराधों का लगातार ग्राफ बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 9 महीने में 1,278 हत्याएं और 39,485 महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज हैं। हर पंचायत में गौशाला खोलने की वादा खिलाफी। 12 महीने में सरकार ने गौशालाएं बनाना तो दूर, किसी गौशाला की नींव तक नहीं खोदी। परिणाम, आज भी भीषण ठंड में गायें ठिठुर ठिठुर कर दम तोड़ रही है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के झूठे प्रचार किए गए। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 रुपये तक बढ़ाने का वचन दिया, लेकिन नहीं बढ़ाई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 51,000 तो कर दी, लेकिन किसी बेटी को वो प्रदान नहीं की गई। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा योजना के बच्चों को मिलने वाले लैपटॉप की योजना बंद की। छात्राओं को स्कूटी देने का झूठा वादा कर उनको मिलने वाली साइकिल भी छीनी। पुलिस बल को साप्ताहिक अवकाश देने का झूठा प्रचार किया। गरीबों को प्रतिमाह 4 किलो दाल देने का झूठा वादा किया।
मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लागू कर प्रदेश को नशे के व्यापार में झोंक दिया। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात कही थी, लेकिन उस पर वेट 5% बढ़ा दिया। साल भर के भीतर मध्य प्रदेश में जैसी राजनीतिक अराजकता देखी गई वैसी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। विधायक मंत्रियों का आरोप लगा रहे हैं और मंत्री बैठक में मुख्यमंत्री को हड़का रहे हैं। शासन व्यवस्था को निर्देश देने का काम एक नहीं तीन तीन मुख्यमंत्री करते हैं, जिससे प्रशासन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तबादला उद्योग ने पूरे सिस्टम की कमर तोड़कर रख दी है। कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित माहौल में काम नहीं कर पा रहा। सरकार ने अपनी नाकामियों में से ध्यान हटाने के लिए नए नए प्रपंच रचने का काम साल भर के भीतर खूब किया। जनता एक विषय को भूलकर दूसरे विषय की चर्चा करने लगी, इसी जुगाड़ में सरकार का पूरा समय बीता। आजकल माफिया मुक्त मध्य प्रदेश के लोक लुभावन जुमले की आड़ में जिस प्रकार के लोगों के कागज देखे बिना चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, उससे भी सरकार की नियत पर सवाल खड़ा होता है। एक और तमाम रसूखदार कांग्रेसी नेता सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में जुट गए, वहीं दूसरी ओर नियम कायदे से भवन बनाने वालों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके नाम पर भेदभाव का विरोध करते हैं। इंदौर नगर पालिका निगम के विकास के लिए जो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि निगम के हक की राशि, वो भी प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। केंद्र के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जो कार्य चल रहे हैं वो धीमी गति से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि प्रदेश का अंशदान नहीं मिल पा रहा है। और उसके साथ ट्रांसफार्मर कभी जल जाता है तो पहले तो ट्रांसफार्मर बदल जाता था, आपको बोले पूरी राशि जमा करो, पहले सरकार उसकी सब्सिडी की राशि थी, बारह किस्ते देंगे। तो ये किसानों के मामले में किसान पूरा परेशान है। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था हम इतने लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 4,000 रुपए युवाओं को भी, तो जो केंद्र सरकार ने सम्मान निधि की बात कही थी 6,000 रुपए हम हर किसान को देंगे, उसकी सूची तो उपलब्ध नहीं करे। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से भी जाता, मैंने उनसे कहा था आप किसानों की सूची दे दे तो हम कम से कम किसानों को 6,000 रुपए दे देंगे। वो भी युवाओं की बात करें जो रोजगार देने की बात करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।